दोस्तों ये है नॉइस की तरफ से आने वाले उनके नए TWS या फिर ईयरबड जो कि ANC के साथ आते हैं। तो ये है नॉइस के एयरबड्स प्रो 2 और ये -40 dB ANC के साथ आते हैं। तो आज करने वाले पूरी बात कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी ऑडियो क्वालिटी है और ANC कैसे काम करता है और माइक्रोफोन का आउटपुट कैसा है, सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वही परंपरा, डब्बा खोल लेता हूं पहले और उसके बाद बात करते हैं डब्बे में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा बॉक्स, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है यहां पर और इसके साथ साथ चार्जिंग केबल भी आपको देखने को मिल जाएगी और इसके साथ साथ यहां पर आपको एक डिसइंफेक्शन के लिए एक मतलब पैड सा भी मिल जाता है और एयर टिप्स भी है यहां पर 2 पेयर। और इसके बाद आपको देखने मिलेंगे इसके TWS या फिर केस, ऐसा देखने को मिल जाएगा। और हमारे पास व्हाइट भी आया और ब्लैक कलर भी हमारे पास अवेलेबल है। दोनों कलर काफी बढ़िया है, आपको अकॉर्डिंग मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करेगा वो आप ले सकते हो। बाकी दोनों कलर काफी बढ़िया लग रहे हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले लुक, बिल्ड और डिजाइन की। तो यहां पर जो लुक है, अगर आप देखोगे मतलब आप एयरबड सीरीज अगर देखते आ रहे हो तो यहां पर एकदम लुक चेंज कर दिया है। यहां पर आपको बॉक्सी डिजाइन मिलता है जबकि पहले पेबल शेप के अंदर आते थे। क्वालिटी अच्छी है यहां पर और व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों ही अमेजिंग क्वालिटी के यहां पर आपको देखने मिल जाते हैं। बात करूं इसकी मतलब मैग्नेट्स की तो वो भी अच्छी खासी आपको मिल जाएंगी। TWS की बात करूं तो ये मैट फिनिश के साथ आते हैं, ये भी आपको स्टैम्प डिजाइन के साथ मिलते हैं। इन ईयर डिजाइन रखी गई है और टच कंट्रोल वगैरह यहां पर आता है। अब यहां पर देखने में एक अच्छी बात और दिखाई दे रही है मुझे कि यहां पर आपको 3 माइक मिलते हैं एक सिंगल TWS के अंदर। 6 माइक हैं दोनों के अंदर और माइक्रोफोन का आउटपुट जानना जरूरी होगा आपको भी और मुझे भी कि कैसा ये वर्क करने वाले हैं। वहीं अगर बात करूँ तो ये आपके कानों में कैसे फिट आएंगे इसकी भी बात कर लेते हैं। इन ईयर डिज़ाइन है तो मेरे को तो बहुत सही तरीके से फिट आते हैं और यहाँ पर मैंने सबसे छोटी वाली जो ई टिप्स हैं वो यूज़ करी हैं, एकदम सिक्योर फिट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सही तरीके से और कूल लग रहे होंगे और कुछ कुछ मतलब महंगी बातचीत जैसी लग रही होगी और काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर हम रनिंग वगैरह करोगे तो नहीं निकलेंगे और जिनको ये वाले जो ई टिप्स हैं वो पसंद आते हैं तो वो इसके लिए जा सकते हो। बाकी और बात करते हैं फीचर वगैरह क्या क्या मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी फास्ट है, 5.2 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। तो जैसे लिड को खोलोगे और TWS को बाहर निकालोगे तो कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक बार पेयर करना पड़ेगा उसके लिए। इसके बाद बैटरी आउटपुट ठीक है, यहाँ पर 25 घंटे का बैटरी आउटपुट मिलता है और केस के साथ आइए, जब ANC वगैरह यूज़ करोगे तो 20 घंटे तक का आउटपुट आप ले पाओगे। सिंगल जो TWS है लगभग वो 3.5 से 4 घंटे एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कितने आउटपुट पर सुन रहे हो। और ANC यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आपको कम बैटरी आउटपुट थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है तो मतलब बहुत जल्दी आप चार्ज भी कर पाओगे, 10 मिनट के अंदर 120 मिनट का आउटपुट आप ले भी पाओगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। IPX5 की रेटिंग है तो स्वेट प्रूफ और रेन प्रूफ मैं बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ लो लेटेंसी का फीचर भी आता है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि कितने MS की लो लेटेंसी है, लेकिन हाँ नॉर्मल कैजुअल जो गेमिंग वगैरह है या फिर YouTube पे जब सिंक करना होता है तो वो कर सकते हो। इसके बाद जो बड़ा फीचर है वो यही है कि -40 dB का ANC यहाँ पर आता, तो ये चेक करने वाली बात रहेगी कि फैन की आवाज या फिर AC की आवाज या फिर किसी मोटर की आवाज कितनी ये रोक पाते हैं, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं ये टच कंट्रोल के साथ भी आते हैं तो प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस आप यहीं से कर सकते हो। इवन वॉल्यूम को भी अप डाउन आप इन्हीं TWS से कर सकते हो, सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम अप डाउन भी होता है, ये काफी बढ़िया बात है। अब देखो ये सिंगल टैप करने से अच्छी चीज हो रही है कि वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, लेकिन एक सिंगल टैप से आप एक चीज कर सकते हो, वो जो लाइक का बटन है वो दबा सकते हो सिंगल टैप से ही। और देखो सब्सक्राइब कर रखा है तो डबल टैप कर सकते हो, वरना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सिंगल टैप से भी काम चला सकते हो। और हाँ वो बेल नोटिफिकेशन पे भी सिंगल टैप ही काम करता है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके बाद हम माइक्रोफोन का टेस्ट यहाँ पर मतलब कर रहे हैं तो अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन ही रहे थे मतलब इस माइक्रोफोन से, इसके बाद मैंने स्विच करते हैं इन TWS के माइक्रोफोन पर। तो यहाँ पर आपको 6 माइकों से आ रही होगी आवाज और आप मुझे बताना कि यहाँ पर माइक्रोफोन का आउटपुट कैसे काम कर रहा है। हल्का फुल्का AC की आवाज आ रही होगी, मतलब चला रखा है मैंने और पंखा भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसी आवाज है। अब मैं थोड़ा सा शोर करता हूँ तो अब बताना कि आपको कैसी साउंड आ रही है, मतलब मैंने टेस्ट करके है बता दिया। अब देखो रात का टाइम है, मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं तो इसलिए इंडोर में ही माइक्रोफोन का टेस्ट आप मुझे बता सकते हो कैसा आउटपुट आपको लगा। सच में 12:41 हो रहे हैं, झूठ मान रहे हो कभी। अब गाइस मैं बात करना चाहूंगा इसकी ऑडियो क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको 10 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं वो इसके अंदर मिल जाता है सिंगल TWS के अंदर,
और वो कैसा परफॉर्मेंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी काफी सही है इनके अंदर और ऑडियो वैसा ही है जैसे नॉइज का हमेशा रहता है। ऑडियो का मतलब ऑडियो के मामले में भी अब नॉइज का एक सिग्नेचर साउंड हो चुका है जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि आपको एक मतलब 2000 से 2500 के बीच में जो भी TWS आते हैं लगभग वैसा ही साउंड है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी है। यहाँ पर आपको मतलब कोई नॉइस नहीं है, 100% पे जाओगे तो कोई डिस्टॉर्जन नहीं है। इवन जो वोकल्स वगैरह वो काफी क्रिस्प और क्लियर तरीके से आते हैं, मिड्स भी ठीक है और डिटेलिंग काफी अच्छी आती है। और ये अच्छी बात है कि मतलब जहां पर बेस चाहिए वहां पर है, ऐसा नहीं कि मतलब ओवर नहीं कर रखा किसी चीज के अंदर, आप जितना मतलब जो ऐसा म्यूजिक है वैसे ही आपको सुनाई देता है। तो ऑडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त है, लेकिन सारे मुद्दे की बात है कि ANC कैसे काम करता है। तो यहां पर मैंने अभी 40 dB पर मतलब यहां पर ट्रिपल टैप करोगे तो मतलब ANC चालू हो जाता है। तो यहां पर अभी चला के देखा और सच में यार एकदम सन्नाटा सा हो जाता है, जैसे समझ लो अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो और इसी को मैं ऐसी आवाज में कन्वर्ट कर दूं तो कुछ ऐसा साउंड फील होता है। मतलब आप समझ पा रहे होगे कि एकदम से जो आवाज आ रही है एकदम से कट डाउन हो जाती है, पूरी कट डाउन नहीं होती, ध्यान रखना ये बात कि मतलब एकदम कट डाउन नहीं होती, हल्की फुल्की आवाज आती रहती है। और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी आता है, वो भी काफी इफेक्टिव है। समझ लो आप रोड पे चल रहे हो और आप कॉल ले रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, तो वहां पर होगा क्या मतलब आप वो तो काम कर ही पाओगे जो आपका प्राइमरी है, लेकिन सराउंडिंग में जो चीज चल रही है जैसे समझ लो बाइक चल रही है या फिर कोई आ रहा है आपकी तरफ या कोई बुला रहा है, तो वो चीज भी आपको क्लियर सुनाई देती है और थोड़ी लाउड सुनाई देती है। आपके कानों से जितना ज्यादा सुनाई देता है उससे भी थोड़ी सी लाउड सुनाई देती है, तो ये चीज भी काफी बढ़िया है इसके अंदर। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी मतलब इफेक्टिव प्राइस के अंदर है, मतलब 2999 रुपए के अंदर लॉन्चिंग प्राइस है। आफ्टर मतलब कुछ दिनों बाद इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको ज्यादा देखने मिलेगी, 3500 रुपए। काफी लोगों को लग सकता है कि यार थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है, तो यहां पर बता दूं 40 dB के जो भी ANC वाले TWS अगर आप मार्केट में सर्च करोगे उनकी प्राइसिंग आपको अप्रॉक्स 3000-5000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फीचर्स काफी बढ़िया हैं, अच्छे ब्रांड की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए ये प्राइसिंग आपको यहाँ पर मतलब ऐसी कुछ देखने को मिल जाएगी। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ANC वाले चाहिए तो हाँ इसकी तरफ जा सकते हो, बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, और हाँ और कमाल की वीडियोस देखनी है तो यहाँ कहीं आ रही होगी। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।